हेलो दोस्तों, आप लॉग इन हैं गूगल गुरु चैनल पर और इस वक्त आप सुन रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का एक सनसनीखेज उपन्यास वो साला खद्दर वाला, जो कि काफ़ी व्यंग्यात्मक तरीके से हमारी मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर प्रहार करता है। एक मज़ेदार कहानी के साथ आप इसे पार्ट्स में सुन रहे हैं। यदि आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं सुने तो पहले उन्हें सुन लीजिए, फिर इस वीडियो को ऑन कीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस वक्त पूरी तरह घरेलू औरत लग रही थी त्रिवेणी। जिस्म पर ब्लाउज और साड़ी, बाल सलीके से कड़े हुए थे। उस वक्त रात के करीब 12 बजे थे जब उसने एक फ्लैट की बेल बजाई। फ्लैट में अंधकार छाया हुआ था। कई बार बेल बजाने पर अंदर की लाइट ऑन हुई। दरवाजे के नजदीक आती पदचाप उभरी। पूछा गया, कौन है? अगर आप गोमती जी हैं तो दरवाजा खोलिए, मैं आपको एक सूचना देने आई हूं। है कौन आप? पूछा गया। नाम शकुंतला है, त्रिवेणी ने कहा, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। दरवाजा खुला। गोल चेहरे वाली एक सुंदर शादीशुदा औरत त्रिवेणी के सामने थी। त्रिवेणी ने पूछा, क्या आप ही गोमती जी हैं? जी हाँ, आप? त्रिवेणी ने जवाब मुंह से नहीं, हाथ से दिया, और ऐसा दिया कि अगले पल गोमती का बेहोश जिस्म उसकी बाहों में झूल रहा था। लिफ्ट से गैलरी में कदम रखते हुए गौरव ने कहा, वह मारा पापड़ वाले को। अब त्रिवेणी ने पूछा, द्रुप की है ये? गौरव ने कहा, कंधे पर उठा लो। क्यों जिंगारा साहब? बशीर रोष भरे स्वर में कह रहा था, आखिर क्यों मुझे इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच पनडुब्बी पर भेजा जा रहा है? बताया जा चुका है बशीर, कृपाल और त्रिवेणी तुम्हारा मर्डर करने वाले हैं। और मैं भी कह चुका हूँ, एक बार नहीं हजार बार कह चुका हूँ, मैं डरता नहीं हूँ उनसे। इस तरह निकालने की जगह मुझे मुकाबला करने का मौका दिया जाए, आपकी कसम मैं इन दोनों की लाशें लाकर आपके कदमों में बिछा दूंगा। हमें पूरा यकीन है, जिंगारा मुस्कुराया, तुम ऐसा कर सकते हो। फिर क्यों मुझे इस तरह निकाला जा रहा है? बशीर बुरी तरह उत्तेजित था। वैसे भी यह सब गैंग की प्रतिष्ठा के विपरीत है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी मेंबर को दुश्मन के डर से पलायन के लिए कहा गया हो। हमेशा मुकाबला करने का मौका दिया गया है, फिर मुझे? नहीं बशीर, दुश्मन से डर कर कुछ नहीं किया जा रहा, जिंगारा ने उसे समझाया, बल्कि दुश्मन को उसकी चुनौती का जवाब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ही जाने कैसा जवाब है ये। उन्होंने तुम्हें पनडुब्बी तक ना पहुंचने देने की चुनौती दी है, और हमें साबित करना है कि हम तुम्हें सुरक्षित पनडुब्बी तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल लड़ाई इसी मोर्चे पर है। ऐसा है तो ऐसा ही सही जिंगारा साहब, मैं अकेला पनडुब्बी पर पहुंचकर दिखा सकता हूं। इंशाअल्लाह कोई जरूरत नहीं है इस वैन की, इन गार्ड्स की। अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या हुआ, दुश्मन को इससे भी ज्यादा करारी मात नहीं होगी? हम तुम्हारे हौसले और बहादुरी की दाद देते हैं, वादा करते हैं एक बार पनडुब्बी पर भेजने के बाद तुम्हें तुरंत वापस बुला लिया जाएगा और उनसे निपटने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल काम वैसा ही होगा जैसे कि योजना बनाई जा चुकी है। कोई भी रद्दोबदल फेरबदल किया गया तो उन्हें यह भ्रम हो जाएगा कि योजना में तब्दीली उनके डर से की गई है। कहना बशीर अब भी बहुत कुछ चाहता था, परंतु कह ना सका, क्योंकि उससे पहले ही जिंगारा उसके सामने से हटकर भदौरिया की ओर बढ़ चुका था। बशीर समझ गया जिंगारा उसकी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वह चाहे जो कहता रहे होगा वही जो जिंगारा ने तय कर लिया है। भदौरिया के नज़दीक पहुंचकर उसने होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था, तुम मोबाइल पर उनसे बात कर चुके हो और वे बता चुके हैं वैन पर हमला करने का कोई प्लान नहीं बना सके। मेरे ख्याल से यह झूठ है।
100%। मुझे नहीं लगता तुम्हारे दिमाग से गलतफहमी निकालने के लिए मैं यह बता देना जरूरी समझता हूँ भदौरिया। वे पूरी योजना बना चुके हैं। योजना भी ऐसी कि गैंग अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद बशीर को नहीं बचा सकता था। तहे दिल से तारीफ करनी होगी उनकी। क्या कह रहे हैं आप? वे वैन को रेलवे फाटक पर रोककर उसमें आग लगा देने वाले हैं। भदौरिया मारे हैरत के मुंह फाड़े उसकी तरफ देखता रह गया। अब बोलो, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे रहता तो क्या बशीर के साथ साथ गार्ड्स को भी तंदूरी मुर्ग बनने से रोक सकता था? नहीं भदौरिया, हरगिज नहीं। उन्होंने प्लान ही ऐसा बुन रखा है कि हमारी तरफ से मदद पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका होता। लेकिन आपको पता कैसे लगा? रखने पड़ते हैं भदौरिया, रखने पड़ते हैं ऐसे जुगाड़, गर्वीले स्वर में चिंगारा कहता चला गया। ना रखें और तुम्हारी तरह चलें तो एक दिन इंचार्ज ना रहें शाखा के, मगर पता तो चले आखिर। उसे छोड़ो भदौरिया, तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि दुश्मन करारी मात खाने वाले हैं। ऐसी चाल सोची है मैंने कि भौचक के रह जाएंगे पट्टे। अरे वैन, इधर कहाँ मोड़ ली गोवर्धन? मौके पर तैनात गार्ड चुका। हमें तो फाटक वाले रास्ते से आना था, यह रास्ता तो फ्लाईओवर की तरफ जाता है। वैन ड्राइव करता गोवर्धन ठहाका लगाकर हंसा, बोला, हमें इधर से ही जाना है गबरू। क्या बक रहे हो? मोकले से झांकता गबरू नामक गार्ड गुर्राया, जिंगारा साहब ने कहा था रेलवे फाटक वाले रास्ते से बंदरगाह पहुंचना है। उन्हीं जिंगारा साहब ने आखिरी समय मेरे कान में मंत्र फूका था, गोवर्धन तुम्हें इसी रास्ते से बंदरगाह पहुंचना है। क्या हुआ गबरू, लपड़ा क्या है? यह आवाज किसी दूसरे गार्ड की थी। गबरू ने कहा, पता नहीं क्या चक्कर है, जिंगारा साहब ने कहा था वैन फाटक वाले रास्ते से जाएगी, ये फ्लाईओवर की तरफ जा रहा है। कहता है जिंगारा साहब ने आखिरी समय में रूट बदल दिया था। मुझे तो लगता है गोवर्धन दुश्मन के हाथों बिक गया है। दूसरे गार्ड की आवाज, क्या हरकत है ये? हरकत कुछ नहीं है दोस्तों, जिंगारा साहब मुझे सब कुछ बता चुके हैं। वैन ड्राइव करते हुए गोवर्धन ने मस्ती में कहा, दुश्मन ने फाटक पर वैन में आग लगाने का प्लान बना रखा है। जिंगारा साहब ने उनके प्लान को चौपट करने के लिए रूट बदलवा दिया। ये झूठ है, हो ही नहीं सकता ऐसा। पिछले हिस्से से तीसरे गार्ड की गुस्सेल आवाज उभरी, दुश्मन ने अगर ऐसा प्लान बना रखा होता तो जिंगारा साहब कन्नी काट कर निकल जाने का ऑर्डर देने वालों में से नहीं है। वे तो तलाश में रहते हैं ऐसे मौके की। यकीनन वो यह कहते कि अब तो हर हाल में फाटक से ही निकलना है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर ही निकलना है। गोवर्धन बोला, उनका मुंह तोड़ने का इंतजाम जिंगारा साहब ने कर दिया है, हर वहाँ में नहीं फाटक की तरफ भेजी गई दूसरी टुकड़ी को करना है। हमारा काम है वजीर मियाँ को सुरक्षित बंदरगाह पहुँचाना। कैसे माने सच है ये? मोबाइल है तुम्हारे पास? कर लो जिंगारा साहब से बात, यही ठीक रहेगा। इस आवाज के बाद पिछले हिस्से में खामोशी छा गई। गोवर्धन समझ गया मोबाइल पर जिंगारा से संपर्क किया जा रहा होगा। होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए वह वैन ड्राइव करता रहा। वैन शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। वहां केवल हैवी ट्रैफिक था, काफी कम। पिछले हिस्से से मोबाइल पर बात करने की आवाजें आने लगी। कुछ देर बाद एक गार्ड ने दूसरे से कहा, गोवर्धन ठीक कह रहा है। फिर मौके पर चेहरा आड़ कर कहा गया, सॉरी यार। वो तो ठीक है, गोवर्धन थोड़ा चौंकता हुआ बोला, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों? गबरू ने पूछा। काफी देर से महसूस कर रहा हूँ, सड़क पर सामने की तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, 2 मिनट से तो एक भी वाहन नहीं आया। क्या मतलब हुआ इसका? पीछे भी कोई नहीं है, दूर दूर तक हम अकेले हैं सड़क पर। जरूर कुछ चक्कर है, गबरू चिल्लाया, रफ्तार बढ़ा दो। गोवर्धन का पैर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता चला गया। पिछले कक्ष में किसी ने कहा, क्या जिंगारा साहब को रिपोर्ट दूं? क्या यार, जरा जरा सी बात पर रिपोर्ट देने की बातें करने लगते हो, दूसरा बोला।
गर्म हो जाएंगे जिंगारा साहब, हम क्या धार देने के लिए वैन के साथ है। गोवर्धन ने तेजी से एक मोड़ काटा और दांतों पर दांत जमाकर पूरी ताकत से ब्रेक पेडल पर खड़ा होने पर मजबूर हो गया। सड़क पर दृश्य ही ऐसा था। अचानक ब्रेक लगने के कारण वैन को जबरदस्त झटका लगा। पीछे से किसी ने कहा, क्या हुआ गोमती? ब्रेक पेडल पर खड़े गोवर्धन के मुंह से निकला। गबरू ने पूछा, कौन गोमती? मेरी पत्नी। गोवर्धन के कहने तक वैन सड़क पर जाम हो चुकी थी। आंखें फाड़े वह अपनी पत्नी को देख रहा था, उसे जो बुरी तरह जख्मी थी, लहू लुहान। सड़क के बीचों बीच लहराती हुई वह अपने दोनों हाथ हवा में उठाए उसे रुकने का इशारा कर रही थी और फिर गोमती सड़क पर गिर पड़ी। ऐसी गिरी कि उठी ही नहीं, कदाचित बेहोश हो गई थी वह। इस दृश्य को अकेले गोवर्धन ने नहीं बल्कि मोखले से विंड स्क्रीन के पार झांक रहे गबरू ने भी देखा। चिल्लाया, रुक मत गोवर्धन, दौड़ा दे बहन, वो मेरी पत्नी है यार। तभी तो कहता हूं ये दुश्मन का खेल है, हमें नहीं फंसना इसमें, निकल ले यहां से। मगर सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि उसे बचाकर निकला जा सके, और भला गोमती को कुचलता कैसे निकल सकता हूं मैं। कहने के साथ उसने एक झटके से दरवाजा खोला। गबरू चीखा, क्या बेवकूफी कर रहे गोवर्धन? मैं अभी आया, कहकर वह सड़क पर कूद गया। अबे रुक जाओ, बहुत खतरा हो सकता है, गबरू चिल्लाता रह गया। या तो उसकी आवाज गोवर्धन तक पहुंची नहीं, पहुंची भी तो उसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का होश ही कहां था उसे। भावनाओं में इस कदर बहा कि सड़क के बीचों बीच पड़ी खून से लथपथ गोमती की तरफ दौड़ता चला गया। क्या हो रहा है बार? वह गार्ड चीखा जो सड़क का दृश्य नहीं देख सकता था। मोखले से चेहरा सटाए गबरू ने कहा, बेवकूफी कर रहा गोवर्धन। धाए, अज्ञात दिशा से गोली चली। गोमती के जिस्म के पास पहुंच चुके गोवर्धन को लुढ़क कर सड़क पर गिरते देखा गबरू ने। वो मर गया शायद, गबरू मानो आंखों देखा हाल बयान कर रहा था। क्या मैं बाहर निकलना चाहिए? दुश्मन की दिशा पता नहीं लग रही, गबरू ने कहा ही था कि धम। यह आवाज वैन की छत से आई थी। एक साथ अनेक गार्डों के मुंह से निकला, वह छत पर है, शायद पेड़ से कूदा है, बाहर निकलो, दिशा दो साले को। बेवकूफी होगी, मुमकिन है इधर उधर उसके और साथी हो। तो क्या करें, सारे छेद खोल लो, नजर रखो चारों तरफ, पहले पता लगना चाहिए वे कहां कहां और कितने हैं। अंदर हड़बड़ाहट फैली हुई थी जबकि वैन की छत पर कूद चुके गौरव ने धुआं उगलती रिवॉल्वर वापस जेब में ठूसी और तेजी से खुले हुए ड्राइविंग डोर में पैर लटका दिए। उस वक्त वह ड्राइविंग कक्ष में आने के लिए हवा में झूल रहा था कि पिछले हिस्से से मोखले के ढक्कन से एक आवाज निकलकर कानों में पड़ी, कोई ड्राइविंग कक्ष में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, शूट कर दें। दूसरे ने कहा। मोखले से AK-47 की नाल ड्राइविंग कक्ष में झांकने लगी। उसे देखकर पसीने छूट गए गौरव के। अभी हवा में ही लटका हुआ था वह, बहुत ध्यान से सिचुएशन रीड की। मोखला पार्टीशन दीवार के ठीक बीचों बीच था, ड्राइविंग सीट दाईं तरफ। AK-47 की नाल ड्राइविंग कक्ष में झांक जरूर रही थी मगर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को निशाना नहीं बना सकती थी। दरअसल उसका निशाना अपने ठीक सामने वाली विंड स्क्रीन पर था। छिद्र छोटा था, अतः नाल को मूवमेंट करने के लिए या तिरछी होने के लिए जगह का अभाव था। यानी मोखला इतना छोटा था कि नाल को दाएं बाएं घुमाने की कोशिश भी की जाती तो ड्राइवर को शूट करने का कोण नहीं बनता था। गौरव के होठों पर मुस्कान फैल गई। आहिस्ता से सरकता हुआ ड्राइविंग सीट पर
जा बैठा। वह कक्ष में पहुंच चुका है। इन शब्दों के साथ नाल को मोड़ने की कोशिश की गई। गोली चला, किसी दूसरे ने कहा। गबरू का झंझलाहट बरसा। बोखला इतना छोटा है कि वह निशाने पर नहीं आ रहा। आऊंगा भी नहीं दोस्त, गौरव आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला। अक्सर होता है ऐसा, अपनी सुरक्षा के लिए फैलाए गए जाल में आदमी खुद फंस जाता है। सामने आओ साले, हिम्मत है तो सामने आओ, गबरू ने दांत पर दांत जमा कर कहा। इतनी हिम्मत नहीं है दोस्त, पीछे मौजूद कोई गार्ड चीखा। पिछला दरवाजा खोल यार, हम देखते हैं साले को। ऐसी बेवकूफी मत कर बैठना जीजा, गौरव ने पूरी मस्ती के मूड में कहा। 10-5 नहीं, सैकड़ों हथियारबंद पुलिस वाले छुपे हैं वैन के चारों तरफ, भून कर रख देंगे सबको। बकरा है साला, मुझे तो कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, गौरव ने वैन स्टार्ट कर दी। जल्दी करो, कोई चीखा, बाहर से घेरो उसे, वहां कोई नहीं है। गौरव ने जानबूझकर वैन आगे नहीं बढ़ाई। पिछला दरवाजा खुलने की आवाज उभरी, कुछ गार्ड सड़क पर भी कूदे। क्या बेवकूफी कर रहे हो, एक चीखा, बाहर से भी उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, ड्राइविंग डोर कक्ष की तरफ से बंद हो चुका है, कोई चिल्लाया। बाहर कोई नहीं है, झूठ बोल रहा था वो। उधर अफरा तफरी मची हुई थी, इधर गौरव ड्राइविंग सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। कुछ ऐसे अंदाज में जैसे वही सब हो रहा था जो वह चाहता था। तभी किसी ने बाहर से ड्राइविंग डोर पर जोर से गन की बट मारी। गौरव की मुस्कान गहरी हो गई। AK-47 धारी विंड स्क्रीन के सामने नजर आया। बहुत उत्तेजित था वह। जाने क्या शरारत सूझी गौरव को कि उसे जीप निकालकर चिढ़ाया। गार्ड यह जानने बूझने के बावजूद विंड स्क्रीन पर बट से वार करने लगा कि वह टूटने वाली नहीं है। उनकी हड़बड़ाहट का मजा लूटता गौरव वैन को बैक गियर में डालकर इतनी तेजी से बैक करी कि शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। पीछे से एक चीख उभरी, ऐसा लगा जैसे वैन के दाएं पिछले टायर ने किसी को कुचल दिया हो। क्या कर रहे हो बेवकूफों, गौरव पहचान गया। यह आवाज बशीर की थी। भला बाहर की तरफ से ड्राइविंग कक्ष में बैठे आदमी को कैसे काबू किया जा सकता है, अंदर बुलाओ सबको, दरवाजा बंद कर लो। मगर गौरव ने तेजी से स्टीयरिंग काटा, वैन सड़क पर तिरछी हो गई। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए रुकी हुआ, अगले पल फर्स्ट गियर में डालकर तेजी से आगे बढ़ा दी। सड़क क्योंकि संकरी थी, अतः अगले टायर जैसे ही उसके किनारे पर पहुंचे गौरव ने ब्रेक लगाए, पुनः बैक गियर डाला, बैक गियर, फिर स्टीयरिंग काटते हुए फर्स्ट गियर में डालकर झटके से आगे बढ़ा दी। अब वैन उसी दिशा में वापस दौड़ रही थी जिधर से आई थी। वैन को बैक करने के अपने मिशन के दरमियान उसने 3 गार्डों को सड़क पर देखा था। एक वैन के टायर की चपेट में आकर मारा जा चुका था। बशीर की आवाज पुनः उभरी, अल्लाह मारो, दरवाजा बंद करो मूर्खों, जल्दी। लेकिन वे बाहर रह गए हैं, किसी ने कहा, रफ्तार तेज हो चुकी है, अब वे वैन तक नहीं पहुंच सकते। धाड़ से पिछला दरवाजा बंद होने की आवाज ड्राइविंग कक्ष में उभरी। गौरव उस वक्त वैन को 60 की स्पीड पर दौड़ा रहा था। मोखले से झांक रही गन से झुंझलाहट में अंधाधुंध फायरिंग की गई। सभी गोलियां विंड स्क्रीन से टकराकर शहीद हो गई। ड्राइविंग करते गौरव ने कहा, जिंदा बचे तो गोलियां बर्बाद करने के इल्जाम में काफी गालियां पड़ेगी तुम्हें। राम जाते कुत्ते, गबरू गुर्रा, वैन रोक। क्या बेवकूफी है गबरू, बशीर की आवाज, इस तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता। आप कमरे में जाए सर, दरवाजा अंदर से बंद कर लें, जिंगारो साहब ने यही कहा था, चाहे जो होता रहे आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना है। सबके सब गधे हो तुम, अल्लाह मारो, खुद को नहीं बचा सकते तो मेरी हिफाजत क्या करोगे, बशीर बोला। एक अपनी बेवकूफी से मारा जा चुका है, 3 वही रह गए, हो तो ठस बुद्धि तुम लोग, गवार कहीं के, गार्ड हो गार्ड ही रहोगे, थोड़ा तो अक्कल से काम लो।
गौरव ने ऊंची आवाज में कहा, बाकी बचे 6 और 7वें तुम हो। हराम जादे, बशीर की धार, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ने वाला तो मैं अब तुझे नहीं हूं बशीर पहलवान। बहुत मर्डर किए हैं मैंने अपनी लाइफ में, मगर इतनी मेहनत कभी किसी एक मर्डर के लिए नहीं की। बहरहाल तो हत्यारा है मेरा, दुनिया का वह पहला शख्स जो उसी के हाथों मारा जाएगा जिसे उसने कत्ल किया। अबे तू क्या मारेगा मुझे, मैं ही तुझे। बशीर के शब्द यूं गुड़बड़ हो गए जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। साथ ही एक आवाज गौरव के कानों से टकराई, प्लीज प्लीज सर आप कमरे में चलिए। छुपा लो साले को, गौरव क्या उठा, छुपा लो 7 तालों में, लेकिन आज बचेगा नहीं। पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थी मानो कुछ लोग एक आदमी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। पुनः एक आवाज, गबरू जिंगारा साहब को फोन लगा। तू लगा, गबरू ने कहा, सारी सिचुएशन बताओ ने। पिछले हिस्से में खामोशी छा गई। गौरव समझ सकता था कि जिंगारा से संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही होगी, मगर इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी उसे। यह कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि वह जानता था इस स्टेज पर यही होना है। दांतों पर दांत जमाए वह वैन की स्पीड बढ़ाता चला गया। मोड़ काटने के बाद एक बस नजर आई, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी वह। अगला हिस्सा विपरीत दिशा में था, गौरव को उसका पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। बल्कि यदि यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पीछे की तरफ से बस अंदर तक पूरी नजर आ रही थी। एक भी सीट नहीं थी उसमें। सड़क और पिछले हिस्से के रैंप के बीच रैंप जैसा मजबूत ढलवा रास्ता बना हुआ था और उसके नज़दीक सड़क के किनारे खड़ी थी त्रिवेणी। जाहिर था यह सारा इंतजाम उसी ने किया था। गौरव वैन को तेजी से बस की तरफ दौड़ाता ले गया और इतना तेज झटका लगा कि यकीनन पिछले हिस्से में मौजूद सभी गार्ड गिर गए होंगे। यह झटका वैन के रैंप पर चढ़ने के कारण लगा था। गौरव को पिछले हिस्से से गार्ड्स की चीखें सुनाई दी। दूसरा झटका तब लगा जब अन्य किसी बात पर ध्यान न देते हुए गौरव ने जोर से ब्रेक मारे। भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद वैन का अगला हिस्सा बस की उस पार्टीशन दीवार से जा टकराया जो चालक और बाकी हिस्से को अलग करने के लिए बनाया गया था। लोहे का बना हुआ इतना मजबूत पार्टीशन था कि वैन की टक्कर लगने पर थोड़ा सा मुड़कर रह गया था बस। वैसे भी टक्कर लगने तक वैन की रफ्तार कम हो चुकी थी। कोई खिड़की नहीं थी बस में, एकमात्र वह बड़ा सा दरवाजा था जिसके खुला होने के कारण बस का पिछला भाग ओपन था। वैन उसी हिस्से में बस के अंदर पहुंची थी। मान लो कि यह बस का बस रूपी कंटेनर था, जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित था। वैन के बस में घुसते ही त्रिवेणी झपटी फोल्डिंग रैंप उठाया और बस के मुकम्मल पिछले हिस्से पर फिक्स कर दिया। अब वैन चारों तरफ से बंद बस के अंदर थी। उधर त्रिवेणी ने पिछला हिस्सा बाहर से बंद किया, इधर गौरव ने वैन का बैक गियर डाला, बहुत स्लो स्पीड में उसे पीछे सरकाया। वैन का पिछला हिस्सा बस की पिछली बॉडी से टच हो गया। अब वैन का पिछला दरवाजा खुलने की जगह ही नहीं थी, अर्थात गार्ड्स अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते थे। इतना काम करके गौरव ने ऐसी सांस ली जैसे एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचकर तेन सिंह और हिलेरी ने ली होगी। पिछले हिस्से से लगातार एक गार्ड के चीखने की आवाज आ रही थी। अपने मिशन के दरमियान गौरव ने उस आवाज पर लेश मात्र ध्यान नहीं दिया, अब दिया तो उसे जोर जोर से चीखते पाया, वैन किसी बस के अंदर है सर, हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। शायद दूसरी तरफ से पूछा गया कि वे इस वक्त कहाँ हैं, तभी तो इधर से कहा गया, अभी तो कर्जन रोड पे है सर, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी देर में बस स्टार्ट होगी। वह किधर से गुजर रही है, कहाँ पहुँच रही है, कुछ नहीं बता सकेंगे। तभी बस स्टार्ट हुई, आगे बढ़ी। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं, जिंगारा मोबाइल पर चीख रहा था। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज पहले धीमी पड़ी, फिर डूबती चली गई। एक्सचेंज से बार बार एक ही वाक्य कहा जाने लगा,
जो नंबर आपने मिलाया है या तो वह ऑफ है अथवा रेंज से बाहर है। ओ नो, झुंझलाकर कहने के साथ चिंगारा ने मोबाइल ऑफ कर दिया। भदौरिया ने पूछा, क्या हुआ? पलटकर जब पहली बार उसने भदौरिया को देखा तो असफलता के कारण चेहरा तमतमा रहा था, मगर गजब की तेजी के साथ खुद को नियंत्रित किया उसने। रेखा से बारीक होठों पर मुस्कान बिखेरता बोला, मानना पड़ेगा बेहद चालाक हैं वे। कौन? जो वैन को बस में बंद करके किसी ऐसे स्थान पर ले गए हैं जहां मोबाइल नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा। यानी फिलहाल तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? कोशिश करता हूं, कहने के साथ जिंगारा अपनी मेज की तरफ बढ़ा, इंटरकॉम का रिसीवर उठाया, 5 नंबर दबाया और संबंध स्थापित होने पर बोला, धनखड़, हमारे आदमी पूरे शहर और शहर के बाहरी इलाके में वैन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं सड़क मार्ग से उन्हें तलाश किया जा सकेगा। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? पूछा गया। हेलीकॉप्टर लेकर निकल पड़ो, मेरे ख्याल से वे शहर के दक्षिणी इलाके के बाहर फैले घने जंगल में कहीं होने चाहिए, पता लगते ही खबर दो। ओके सर। जिंगारा ने रिसीवर वापस रखा, कहा, फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में नहीं आई सर, आखिर ये सब वे कर कैसे सके? यह बात कैसे पता लगी कि वैन फ्लाईओवर की तरफ से जाएगी? यह बात उन्हें पता नहीं लगी भदौरिया, बल्कि वैन उस तरफ भेजी ही उन्होंने थी। उन्होंने? भदौरिया उछल पड़ा, क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या आप कहना चाहते हैं गोवर्धन बिक गया था, उनके निर्देश पर काम कर रहा था? नहीं गोवर्धन नहीं, मैं काम कर रहा था उनके निर्देश पर। आप ये कैसे हो सकता है सर? ये सच है भदौरिया, तुम जानते हो सच सहज जितना कड़वा हो, उसे कबूल करने में मैंने कभी कंजूसी नहीं की, गंभीर स्वर में जिंगारा कहता चला गया। दरअसल वे दोनों शैतान मेरे दिमाग में बैठे थे। आपके दिमाग में? क्या कह रहे हैं सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह काम उन्होंने मेरे ही एक प्यादे के जरिए किया। रोंगटे खड़े हो गए भदौरिया के, लगा कहीं मेरी ही तरफ तो इशारा नहीं है इसका, कहीं मुझ पर ही तो नहीं शक कर रहा ये। अंदर की भावना इन लफ्जों के साथ बाहर निकली, मुझे तो आपने कुछ बताया नहीं था सर, मुझे तो आखिरी वक्त तक यही मालूम था वैन फाटक वाले रास्ते से गुजरेगी। हल्की सी मुस्कान उभर आई जिंगारा के होठों पर, बोला, बेकार परेशान हो रहे हो भदौरिया, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है। फिर किसके जरिए वे आपके दिमाग में घुस बैठे? उसी के जरिए जिसने मुझे खबर दी कि वे फाटक पर वैन को चलाने वाले हैं। ओह, जिसके बारे में मेरे पूछने पर आपने कहा था, रखने पड़ते हैं भदौरिया, रखने पड़ते हैं ऐसे जुगाड़। हाँ, उसी जुगाड़ के जरिए वे मात देने में कामयाब हो गए। क्या अब? भदौरिया के लहजे में बहुत हल्का सा व्यंग था। मैं आपके उस जुगाड़ के बारे में जान सकता हूँ? डगलस। वह रॉक है स्थानीय चीफ? भदौरिया बुरी तरह चौंका। बहुत पहले से, त्रिपाल का मर्डर होने से पहले वह हमारे लिए काम कर रहा है, जिंगारा कहता चला गया। उनकी एक एक्टिविटी की खबर दे रहा था। और आपने उससे रूट चेंज करने के बारे में कह दिया? नहीं, अपने फैसले में प्यादों को नहीं बताया करता। फिर कैसे पता लग गया उन्हें? क्योंकि वे जान गए थे डगलस मुझे सूचनाएं दे रहा है। मतलब इसीलिए तारीफ करना पड़ रही है उनकी? आम आदमी होते तो डगलस का भेद जानते ही उसे पकड़ते, मारते पीटते अथवा टॉर्चर करते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा ये किया कि मुझे तो डगलस तक को इल्म नहीं होने दिया, अपनी खबरें उसके जरिए मुझ तक पहुंचने दी। गौर किया जाए तो उनमें से कोई खबर ऐसी नहीं थी जिससे मुझे फ़ायदा या उन्हें नुकसान हुआ हो, बल्कि अंतिम खबर पहुंचाकर उन्होंने ही जबरदस्त लाभ उठा लिया। वैन को काबू करने का प्लान उसके साथ इस माहौल में डिस्कस किया कि डगलस उसे ही सच्चाई मान बैठा, मुझे खबर दी, यही वे चाहते थे। सवाल यह है, वे कैसे जान गए कि डगलस की रिपोर्ट के बाद आप रूट चेंज कर देंगे? और क्या करता मैं? जी समझने की कोशिश करो भदौरिया, यही कर सकता था,
स्वाभाविक रूप से मुझे यही करना था। मधोरिया चुप रह गया। जिंगारा कहता चला गया, डगलस के जरिए अपने झूठे प्लान की खबर पहुंचाकर उन्होंने मुझसे रूट चेंज करने का स्वाभाविक फैसला लिखा डाला। ऐसा करने के लिए डगलस से केवल बातें ही नहीं की उन्होंने, बल्कि नकली प्लान को अमनी जामा पहनाते भी नजर आए। रात ही रात में 3 पेट्रोल टैंकरों का इंतजाम किया। सुबह होने पर दोराहे पर 2 पुलिसमैन भी खड़े कर दिए जो फाटक की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे थे। फाटक भी बंद किया और वहां मालगाड़ी भी खड़ी की गई। मतलब अपनी एक्टिविटी से वे ये दर्शाते रहे कि वह किया जाने वाला है जो डगलस के सामने तय हुआ था, जबकि असल में करना हुआ था जो हुआ है। गेम उन्होंने भी यही खेला और मैंने भी, आपने भी। मेरे प्लान के मुताबिक गैंग के 4 गनमैन मालगाड़ी के उस डिब्बे में छुप चुके थे जो ठीक फाटक के सामने था। उनका काम था 10:30 बजे फाटक के पार खड़े 3 पेट्रोल टैंकरों पर अंधाधुंध फायरिंग करना ताकि उनकी होली जल सके। इधर तब तक वैन बदले हुए रूट के जरिए शहर से बाहर निकल चुकी होती, मगर उधर टैंकर फाटक पर नहीं पहुंचे। इधर वैन पर हुए हमले की सूचना मिली। उसी क्षण इल्म हुआ मैं बाजी हार चुका हूँ। फाटक पर खड़ी गाड़ी और ट्रैफिक डाइवर्ट करते पुलिस वैन धोखा थे, वह एक ट्रैप था। असल प्लान उसी रूट पर अमल होना था जिससे मेरे दिमाग में घुसकर उन्होंने वैन को भेजा और वो प्लान भी ऐसा बनाया कि गार्ड्स कुछ ना कर सके। पूरी वैन ही ले उड़े पट्टे। वह वैन जिसे मैं बेहद सुरक्षित समझता था, जिसके बारे में सुनकर तुमने कहा था कोई बेवकूफ ही बशीर की चाह में वैन के आसपास भटक सकता है। वैन के बारे में सुनकर लगा तो यही था सर, मधुरिया को कहना पड़ा। अगर आपकी नीति के मुताबिक दुश्मन के बारे में बेवाक राय दूं तो वो ये है कि कमाल कर दिखाया उन्होंने। कम से कम अब उनका पूरा प्लान ओपन है। एक तरफ यह दर्शाकर मुझे भ्रमजाल में फंसाए रहे कि फाटक पर वैन की होली जलाई जाने वाली है, दूसरी तरफ असल प्लान यानी वैन को किडनैप करने के मिशन पर काम करते रहे। इसके लिए उन्होंने विशेष बस का इंतजाम किया, गोमती को पकड़ा ताकि गोवर्धन को उसे जख्मी दिखाकर वैन से बाहर निकाल सके। मगर आश्चर्यजनक बात यह कि वे गोमती तक पहुंच कैसे गए। मतलब अगर गोवर्धन गोमती को उस हालत में न देखता तो क्या वैन को रोकता? हरगिज नहीं। जाहिर है वे जानते थे अपनी पत्नी को उस हाल में देखने के बाद गोवर्धन आपे में नहीं रहेगा, भावुक हो उठेगा और दरवाजा खोलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ेगा। न जानते होते तो यह तरकीब भी क्यों इस्तेमाल करते? वे कैसे जानते थे वैन को गोवर्धन ड्राइव कर रहा है? आप भूल रहे हैं सर, कृपाल हम लोगों के बीच में रह चुका है। वह तभी से जानता है, हमारे ग्रुप का सबसे बेहतरीन ड्राइवर गोवर्धन है। निश्चित रूप से उसने अनुमान लगा लिया होगा कि ऐसे संवेदनशील समय में वैन ड्राइव करने का काम आप सबसे बेहतरीन ड्राइवर को ही सौंपेंगे। चलो मान लिया उसने यह अनुमान लगा लिया होगा, परंतु कृपाल सिंह गोवर्धन को जानता था, उसकी फैमिली को नहीं। रात ही रात गोवर्धन का घर कैसे पता लगा लिया कृपाल ने? आपका क्या अनुमान है? हमारे ग्रुप में उनका इन्फॉर्मर है। मारे हैरत के भदौरिया की आंखें फट पड़ी, मुंह से निकला, क्या ऐसा हो सकता है? है तो अविश्वसनीय सी बात, क्योंकि ना तो आज तक किसी ने गैंग से गद्दारी करने की हिम्मत की है, ना ही किसी में इतना साहस हो सकता है। परंतु गड़बड़ सामने है। गोवर्धन के बारे में इतनी डीप जानकारी उन्हें गैंग के ही किसी आदमी से मिली हो सकती है। गैंग के लोगों को भी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कहाँ जानकारी होती है सर? यही, इस शब्द पर जोर देने के बाद जिंगारा ने कहा, यही कहना है मेरा भी। बाबा खान ने गैंग का ढांचा बनाया है कुछ इस तरह कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता, सब अपने काम से काम रखते हैं, ना एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, ना ही जानने की कोशिश करते हैं। फैमिली रिलेशन तो किन्हीं 2 एजेंटों के बीच क्रिएट ही नहीं होने दिया जाता, फिर वह कौन है जिसने उन्हें बताया कि वे किस तरकीब से वैन का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं? भदौरिया को कहने के लिए कुछ नहीं सूझा। खैर, जिंगारा बड़बड़ाया, जैसे भी हो इस शख्स का पता लगाना होगा, क्योंकि ऐसा शख्स दुखदाई साबित हो सकता है, मगर फिलहाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बशीर को बचाना है।
क्या भदौरिया चौका, क्या अब भी बशीर को बचा सकते हैं? क्यों नहीं, इस कदर उनके चंगुल में फंसने के बाद भी? अभी सिर्फ वैन उनके हाथ लगी है भदौरिया, बशीर नहीं। बशीर वैन के अंदर सुरक्षित है, उस वैन के अंदर जिसकी खूबियां तुम भूले नहीं होंगे, त्रिवेणी और कृपाल ही नहीं, सारा सरकारी तंत्र भी सिर पटक ले तो कोई वैन के अंदर नहीं पहुंच सकता। बशीर अंदर वाले कमरे में है, बाहर वाली गैलरी में गार्ड्स, वे ही बेवकूफ़ी ना कर बैठे तो कोई खतरा नहीं है। उनकी बेवकूफ़ी से क्या मतलब, अगर मोबाइल नेटवर्क से बाहर ना होते तो मैं उन्हें किसी हालत में दरवाज़ा खोलकर बाहर ना निकलने की सलाह देता। लेकिन कब तक सर, बहरहाल भूख प्यास भी लगेगी उन्हें, उन्हें हमारी तरफ से मदद मिलने तक का इंतज़ार करना चाहिए। भदौरिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ट्रांसमीटर भी मिला उठा। जिंगारा इस तरह झपटा जैसे चीता हिरण पर झपटता है। ट्रांसमीटर ऑन करने के साथ कहा, यस, उनका पता लग गया है सर, दूसरी तरफ से कहा गया। खुशी से झूमते जिंगारा के मुंह से निकला, कहाँ है? एक मिनट, सब चुप हो जाओ, कुछ आवाज आ रही है। कहने के साथ एक गार्ड ने उस सुराख पर कान टिका दिया जिस पर तैनात था और बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर बाकी गार्डों ने खुले पड़े छेदों से कान सटा दिए। एक चीख पड़ा, हेलीकॉप्टर की आवाज है, शायद गैंग के लोग हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चिल्लाया, जिंगारा साहब बहुत देर तक इस कैद में नहीं रहने देंगे। हेलीकॉप्टर को यह बताने के लिए क्या करें कि हम यहाँ हैं, एक ने सलाह दी। सब एक साथ अपनी गनों से फायरिंग कर सकते हैं। बेवकूफ हो तुम, दूसरा बोला, देख नहीं रहे हेलीकॉप्टर की आवाज़ कितनी कम आ रही है? एक तो साली ये बंद वैन, ऊपर से पूरी तरह बस के अंदर, कितनी भी गोलियां चलाए आवाज़ हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंचेगी। ओह, झुंझलाया हुआ गुप्त कबरू दांत खींच करके हो, कितना मजबूर हो गए हम, जैसे किसी वॉल्ट में फंस गए हो। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था, वैन बनाते वक्त कितनी कमियाँ छूट गई है। इससे बड़ी मिस्टेक क्या होगी कि छेद इतना बड़ा नहीं बनाया गया जिससे ड्राइवर को शूट किया जा सके। बुरी तरह झुंझलाए हुए थे, कस मसा रहे थे। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट पहले से कुछ ज़्यादा स्पष्ट हुई। सफ़र जारी था, हिचकोले खा रहे थे उनके जिस्म। मेरे ख्याल से इस वक्त बस किसी कच्चे और उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रही है, एक अन्य ने कहा। शायद हम जंगल में हैं। जंगल भी पहाड़ी, दूसरा बोला। तभी 7x7 के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई, एक बोला। बशीर साहब फिर बाहर आ रहे हैं, अंधेरे में माचिस पर तीली रगड़ जाने की आवाज़ आई। अगले पल फर्र के आवाज़ के साथ तीली जली, उसकी रोशनी में बशीर का चेहरा चमका। सर आप फिर बाहर आ गए, गबरू ने उसकी तरफ बढ़ते कहा। प्लीज़ अंदर ही रहें, सिगरेट तो पीना तो यार, कहने के साथ होठों पर लटकी सिगरेट सुलगाई। गबरू बोला, अंदर ही पी लीजिए, वहाँ धुआँ भर गया है, साले के निकलने तक का रास्ता नहीं बना गया। तो यही कौन सा रास्ता है, कम से कम छेद तो है यहाँ, मोखला तो है, इन्हीं से कितना धुआं बाहर निकल जाएगा। सर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, मैंने पहले ही कहा था जिंगारा साहब से, मुझे इस मुसीबत में मत फंसाओ। बशीर गार्डों से कहीं ज़्यादा झुंझलाया हुआ था, मगर वे नहीं माने, चूहा बनाकर रख दिया मुझे। प्लीज़ सर, गबरू ने उसे पुनः अंदर जाने के लिए कहा। चला जाऊँगा यार, जब कोई मुसीबत आएगी चला जाऊँगा, बशीर बनाया। अभी ऐसा कौन सा खतरा टूट पड़ा है कि मुझे काल कोठरी में बंद रहना पड़े। आप समझ नहीं रहे सर, जिंगारा साहब का हुक्म, और गोली चली। गबरू के हलक से चीख निकल गई। गोली ड्राइविंग कक्ष से चलाई गई थी जो मोखले के सामने खड़े गबरू की पीठ पर लगी। इसके बावजूद गिरने से पूर्व बशीर को कमरे की तरफ धकेलता गबरू चुका, प्लीज सर दरवाजा बंद कर लो। भन्नाया हुआ एक गार्ड अपनी गन की नाल मोखले में डालता गुर्राया, हरामजादे कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। ड्राइविंग कक्ष की तरफ से गौरव के हंसने की आवाज़ आई। दिल खोल कर हंसने के बाद कहा गया, कैसी रही दोस्तों, अब समझ में आया होगा मोखले के सामने आना तुम्हारे लिए भी दुखदाई हो सकता है। गबरू गबरू, एक आवाज़, अरे ये तो मर गया, ठाका लगा उठा गौरव, बोला देखना यह है कि इसकी लाश से उठने वाली सड़ांत को तुम कब तक झेल सकते हो। गुस्से में गन से गोलियाँ चलाई गई मगर सब व्यर्थ, गौरव उनके सामने नहीं था। हिचकोले बंद हो गए, बस रुक गई थी। गौरव ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या हुआ त्रिवेणी? हेलीकॉप्टर से सर्च किया जा रहा है,
रुकने से फायदा, इस वक्त हम एक घने पेड़ के नीचे हैं। आओ, कहने के साथ गौरव ने रिवॉल्वर जेब में ठूसा, ड्राइविंग डोर खोला और बस के फर्श पर कदम रखा। वैन से बाहर निकलने पर उसे सिर्फ यह ध्यान रखना था कि किसी छेद के सामने ना आ सके। वैन और बस की बॉडी के बीच तीनों तरफ जगह थी, केवल पिछला हिस्सा बस की अंदरूनी दीवार से सटा था ताकि वैन का दरवाजा ना खुल सके। गौरव वैन के आगे पहुंचा, वहां गार्ड से कोई खतरा नहीं था। बस की पार्टीशन दीवार में मौजूद दरवाजा खोला और उसे वापस बंद करता ड्राइविंग कक्ष में आ गया। वहां भरपूर रोशनी थी और हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी साफ आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी त्रिवेणी आगे की और झुकी हुई विंड स्क्रीन के पार आसमान को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर पेड़ के अलावा कुछ नजर ना आ सका। बस इस वक्त बरगद के घने पेड़ के नीचे खड़ी थी। गौरव ने बोनट के बाईं तरफ वाली सीट पर बैठते हुए कहा, क्यों परेशान हो रही हो? जब हम ही उन्हें नजर नहीं आ रहे तो वे कैसे नजर आ जाएंगे? मेरे ख्याल से उन्होंने हमें देख लिया है। क्या? गौरव चौंका। त्रिवेणी मुस्कुराई, एक ही सेंटेंस में हो गई है वॉशेंट। लेकिन वाकई गौरव की सारी मस्ती काफूर हो गई। उन्होंने देख लिया तो केवल ख्याल है मेरा, पक्का नहीं कह सकती। मतलब पहली बार हेलीकॉप्टर की आवाज़ कानों में पड़ी तो समझ गई हमें ढूंढने की कोशिश जरूर की जा रही है। रफ्तार बढ़ा दी। पेड़ तो खैर हर तरफ थे, मगर आसपास ऐसा पेड़ नहीं था जो बस जैसी बड़ी चीज़ को कवर कर पाता। यहाँ पहुँचने से पहले हेलीकॉप्टर बस के ठीक ऊपर पहुँच चुका था, इसलिए अगर देख लिया होगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शिकार इतना नज़दीक होने के बावजूद अभी हमसे दूर है। वही जाँचने की कोशिश कर रही हूँ, बस उन्हें दिखी है या नहीं। कैसे? दिखी होगी तो हेलीकॉप्टर पुष्टि करने पेड़ के ऊपर आना चाहिए। अब गौरव भी विंड स्क्रीन के पार से आसमान को देखने की कोशिश करने लगा। त्रिवेणी ने पूछा, गोलीबारी क्यों हो रही थी तुम्हारे और उनके बीच? मैंने गबरू नाम के गार्ड को मार डाला है। कैसे? मोखले के सामने आने की बेवकूफ़ी कर बैठा था और मैं काफ़ी देर से इस ताक में था। ऐसी गलती कैसे हो गई उससे? बशीर की बेवकूफ़ी से मारा गया होगा। वह सिगरेट पीने कमरे से बाहर निकला, उसे अंदर भेजने की धुन में गबरू भूल गया कि वह मोखले के सामने है और मौका मिल गया मुझे। वाकई? त्रिवेणी मुस्कुराई, कम से कम सिगरेट पीने वालों का तो ख्याल रखना ही चाहिए था वैन बनाने वाले को। बेचैन वह अकेला नहीं है, सभी पिंजरे में कैद पक्षियों से फड़फड़ा रहे हैं। जिस वैन को वे सर्वाधिक सुरक्षित समझते थे, सोचते थे उसके अंदर से सारी दुनिया को भून डालेंगे, मगर उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। उसी के अंदर जितना लाचार तुमने उन्हें कर दिया है, वैसी कल्पना तक नहीं की होगी उन्होंने। बेचारे बंदी बनकर रह गए हैं और जेल है वो वैन जिस पर उन्हें गर्व था। गौरव मुस्कुराए, यानी तुम भी बंदे के दिमाग का लोहा मानती हो? लोहा तो पहले से मानती थी, मगर गोवर्धन के बारे में तुमने अब तक नहीं बताया। त्रिवेणी ने कहा, कैसे जानते थे वैन को वही ड्राइव कर रहा होगा? उसका घर सुदर्शन नगर में है और गोमती नामक उसकी एक पत्नी भी है जिससे वह बेइंतहा प्यार करती है। तुम बोल रही हो, अपनी मौत के पहले मैं गैंग का एक हिस्सा था, गौरव कहता चला गया। एकमात्र इसी बेस पर हम इस युद्ध में अपनी जीत की कल्पना कर सकते हैं। यानी तुम उसी समय से गोवर्धन के घर और उसकी बीवी से परिचित थे? कम शब्दों में समझने के लिए धन्यवाद, मगर मैंने सुना है गैंग के मेंबर्स को एक दूसरे की पर्सनल लाइफ से ना मतलब होता है ना जानकारी। बाबा खान की सख्त हिदायत है कि कभी कोई किसी से घरेलू संबंध। मैं सबसे पहले वही काम करता हूँ जिसके लिए मना किया जाए, यह मेरी फितरत में शामिल है। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कोई भी शख्स अपने मातहतों को उसी काम से दूर रहने की सलाह देता है जिस काम के कारण उसे डरो मातहत उस पर हावी हो जाएंगे। अर्थात उस दरमियान मैंने अकेले गोवर्धन से नहीं बल्कि गैंग के कई मेंबरों से फैमिली रिलेशन बनाए और उनसे इतने गहरे संबंध बना लिए ताकि वक्त पर वे काम आ सके, और देख लो काम आ गए। युद्ध के दरमियान शायद और रिलेशन भी काम आए। जहाँ तक गोवर्धन का सवाल है, उसके साथ उसके घर पर बैठ के मैंने अनेकों बार दारू पी थी, तभी तो 100% यकीन था कि सड़क पर गोमती को जख्मी अवस्था में देखने के बावजूद वह नहीं रुक सकता। लेकिन यह कैसे मालूम था कि वैन गोवर्धन ही? माना तुम्हारे पास 20 ड्राइवर हैं, मालिक होने के नाते उन सबकी क्षमताओं से भी परिचित होगी। तुम जानती होगी कौन काम चलाऊ, कौन सामान्य और कौन सबसे बेहतरीन ड्राइवर है। बिल्कुल जानती होंगी। सबसे संवेदनशील समय में ड्राइविंग है तो उनमें से किसे चुनोगी? जाहिर है सबसे बेहतरीन ड्राइवर को। इति सिद्धम। गोवर्धन जिंगारा गैंग का सबसे बेहतरीन ड्राइवर था।
हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बेहद नजदीक आ गई। त्रिवेणी ऊपर देखने का प्रयत्न करती बोली, मुझे लगता है ये सारी कामयाबी पर पानी फेर देगा। वाकई, गौरव बड़बड़ाया, ये तो पेड़ के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है। जंगल में धनखड़ ने ट्रांसमीटर पर कहा, राप्ती नदी के दाईं तरफ बस इस वक्त एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है और मैं पेड़ के ठीक ऊपर चक्कर काट रहा हूँ। वेरी गुड धनखड़, वेरी गुड, जिंगारा का खुशी में डूबा स्वर। क्या तुम्हारे ख्याल से उन्हें इल्म हो गया है कि तुम उन्हें देख चुके हो? जिस वक्त मेरी नज़र पहली बार बस पर पड़ी उस वक्त वह बस चल रही थी। हेलीकॉप्टर में बैठा धनखड़ रिपोर्ट देने के साथ नीचे भी देख रहा था। वह पेड़ों के झरमुट के बीच से गुजरती नजर आई। मैंने पीछा किया और फिर बरगद का एक विशाल पेड़ मेरे और उनके बीच आ गया। मैंने पायलट से उसी दायरे में रहने के लिए कहा। बस के बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरने का इंतज़ार किया, परंतु वह वहां से गुजरी ही नहीं। बस को उन्होंने वहीं रोक लिया है। जाहिर है वो जान गए हैं मेरी नज़र उन पर पड़ चुकी है। क्या इस वक्त वह तुम्हें नज़र आ रही है? पेड़ घना है सर, इसलिए नज़र तो नहीं आ रही, परंतु दावे से कह सकता हूँ कि वह है वहीं। मैं पेड़ के चारों तरफ चकरा रहा हूँ, निकलेगी तो मेरी नज़र से नहीं बच सकती। ओके धनखड़, तुम उस पर नज़र लगाए रखो, सफ़र शुरू करे तो उनके ऊपर ही रहना। मैं उन्हें खोज रही सारी टीमों को उसी दिशा की तरफ भेजता हूँ। वे टीमें तुम्हारे हेलीकॉप्टर को फॉलो करती हुई बस के नज़दीक पहुँचेंगी। मेरे ख्याल से इस सब की ज़रूरत नहीं है सर। क्यों? मेरे पास हैंड ग्रेनेड का बैग है, बस इजाज़त दीजिए। ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज मत करना धनखड़, वैन में मौजूद बशीर और हमारे गार्ड्स भी खतरे में फंस जाएंगे। तुम सिर्फ नज़र रखो और उनके ठीक ऊपर रहो, बाकी सब जमीनी टीमें देख लेंगी। वो देखिए सर, बस पेड़ के नीचे से निकलकर नदी की विपरीत दिशा में दौड़ रही है। अब पक्का हो गया धनखड़, वे समझ चुके हैं तुमने उन्हें देख लिया है, भागने की कोशिश कर रहे हैं वे, उनके साथ रहो। मैं साथ नहीं सर, मौत बनकर उनके ऊपर मंडरा रहा हूँ, बचकर कहाँ जाएंगे साले। याद रखना तुम्हें उन पर हमला नहीं करना है। इन शब्दों के साथ दूसरी तरफ से संबंध काट दिया गया। धनखड़ ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया, मगर हेडफोन कानों पर ही रहने दिया। बस तेजी के साथ जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ों के झुरमुट के कारण रह रहकर वो एक पल के लिए नजर आती और कभी फिर ओझल हो जाती। धनखड़ ने ड्राइवर से कहा, उसे फॉलो करने से ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। हर तरफ गगनचुंबी हरे भरे पहाड़, उनके बीच था वह काफी बड़ा समतल स्थान जहां जंगल की हर दिशा से 8 जिप्सियां पहुंची। हर जिप्सी में बाबा गैंग के सशस्त्र कमांडोस थे। हेलीकॉप्टर समतल स्थान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। धनखड़ के अनुसार बस यही होनी चाहिए थी, परंतु असल में कहीं नजर नहीं आई। समतल स्थान पर जिप्सियों ने एक दायरा सा बना लिया। कमांडोज उनकी बैक में पोजीशन ले चुके थे, परंतु दुश्मन सामने न होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दो चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर जिप्सियों के दायरे के बीच लैंड हुआ। पायलट को इंजन ऑफ करने का हुक्म देता धनखड़ बाहर कूदा। कमांडोस के मुखिया का नाम सुमारू था। वह एक जिप्सी की बैक से निकलकर धनखड़ की तरफ बढ़ा। धनखड़ पहले ही दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंचे। सुमारू ने कहा, यहां तो कहीं बस नजर नहीं आ रही, मैंने अंतिम बार उसे यहीं देखा है,
धनखड़ ने चारों तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर नजर डालते हुए कहा। यहाँ के बाद नजर आनी बंद हो गई। नजर आनी बंद होने से क्या मतलब? बस है, मक्खी मच्छर नहीं। जरूर वे चारों तरफ फैले इन पहाड़ों में कहीं है। क्या बात कर रहे धनखड़ साहब, क्या आपने उन्हें साफ नहीं देखा? उस तरफ, धनखड़ ने पश्चिम की तरफ उंगली उठाई। इस मैदान से मैंने उस तरफ उन्हें बढ़ते देखा था, उसके बाद नजर आने बंद हो गए। असल में उन पहाड़ों का कुछ हिस्सा छतरी जैसा है, इसलिए ऊपर से नजर नहीं आए। यानी बस उस तरफ कहीं? सुमारु का वाक्य अधूरा रह गया। असल में वे उस दिशा से दौड़कर चली आ रही अनेक भेड़ और बकरियों को देखकर चौंके थे। दौड़ती हुई भेड़ बकरियां विशाल मैदान में चारों ओर फैल गई। घबराई हुई लग रही थी वे। अंदाज ऐसा था जैसे किसी मुसीबत से बचकर भागने की कोशिश कर रही हो। मैदान में खड़े वाहनों को देखकर कुछ और घबरा गई वे। वे कई कई टुकड़ियों में बटकर भागने लगी थी। हर टुकड़ी की दिशा जिप्सियों के विपरीत थी। मेरे ख्याल से वे उधर ही है जिधर से बकरियां मैदान में आई है, धनखड़ ने उत्साहित स्वर में कहा। शायद बस से डरकर भागी है वे। ऐसा ही लगता है, कहने के बाद सुमारु ने अपने हाथ में दबा माइक ऑन किया। अगले पल उसके कूल्हे पर लटक रहे छोटे से लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी। सब उस तरफ बढ़े जिधर से बकरियां आई है। आदेश होते ही कमांडोस अपनी अपनी जिप्सी पर सवार हुए। जिप्सियां स्टार्ट होकर उस तरफ बढ़ी। धनखड़ और सुमारु भी नजदीक से गुजर रही एक जिप्सी पर चढ़ गए। अनन-फानन में जिप्सियां मैदान को क्रॉस करके पहाड़ी के नजदीक पहुंची। सचमुच वह पहाड़ी छतरी नुमा थे, अर्थात उनके नीचे मौजूद वस्तु को ऊपर से नहीं देखा जा सकता था। बस वहां भी कहीं नजर नहीं आई। सुमारु के आदेश पर सभी कमांडोस उन पहाड़ियों में इस तरह बस को तलाश करने लगे जैसे सुई को तलाश किया जा रहा हो। कमाल है, धनखड़ बुदबुदाया। कहां गई इतनी बड़ी बस? सुमारु बोला, किसी तरह यह पता लग जाए कि बकरियां थी कहां। तो तभी पूरा इलाका गन से चली गोलियों से गूंज उठा। सभी चौंके। उधर से सर, उधर से आई है आवाज, कहने के साथ एक कमांडो दाईं तरफ को दौड़ा। बाकी कमांडोज भी उसके पीछे लपके। सुमारु भी उस तरफ दौड़ता बोला, शायद गार्ड्स की भिड़ंत हो गई है उनसे। यह भी मुमकिन है कि गार्ड्स ने अपनी स्थिति बताने के लिए यूं ही गन चलाई हो, उसके साथ दौड़ते धनखड़ ने अपनी राय दी। जो भी है वे उधर ही। और फिर वे छतरी नुमा पहाड़ों से घिरे एक ऐसे स्थान पर रुके जिसे किसी विशाल सुरंग का दहाना कहा जाए तो मुनासिब होगा। शेर के खुले जबड़े जैसा वह दहाना इतना बड़ा था कि बस तो बस, डबल डेकर बस भी अंदर चली जाए। जरूर वह इसी के अंदर है, सुमारु बड़बड़ाया। बस जैसी बड़ी वस्तु को छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या मिलेगी? बकरियां भी यहीं से निकलकर भागी थी, धनखड़ ने कहा। सुमारु ने पूछा, दावे का कारण? दहाने के आसपास पड़ी बकरियों की लीद। वेरी गुड, 100% इसी के अंदर है बस, सुमारु फौरन धनखड़ से सहमत होता हुआ उत्साह भरे स्वर में बोला। अंदर चलो, घेर लो मैं। एक मिनट, धनखड़ ने ऊंची आवाज में कहकर कमांडो उसको रोका और नजदीक खड़े सुमारु से बोला, हमें अंधों की तरह गुफा में नहीं घुसना चाहिए। पता नहीं ये कितनी लंबी है और दुश्मन कहाँ किस पोजीशन में घात लगाए बैठा हो। आगे जाकर अंधेरा वही हो सकता है अंदर। तो जिप्सियों के साथ चला जाए, सुमारु को बात चची। उसके आदेश पर कमांडोस आनंद फानन में जिप्सियां दहाने पर ले आए। गुफा इतनी चौड़ी थी कि दो जिप्सियां अगल बगल चलती अंदर दाखिल हो सकती थी। वैसा ही किया गया। हेडलाइट ऑन किए जिप्सियों का काफिला गुफा में घुसा।
कुछ दूर तक हेडलाइट का औचित्य नजर नहीं आया, परंतु जल्द ही उनकी अहमियत पता लग गई। उनकी रोशनी ना होती तो गुफा में गुप्त अंधेरा था। 15 मिनट के सफर के बाद हेडलाइट की रोशनी बस पर पड़ी, उस बस पर जिसकी उन्हें तलाश थी। बस के पिछले हिस्से को देख सकते थे वे। वह एक ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहां से आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। बस की छत गुफा की छत से सटी हुई थी, अर्थात गुफा संकरी हो गई थी। दुश्मन सामने है, सुमारू माइक पर चिल्लाया, पोजीशन लो। सभी कमांडोज ने आदेश का पालन किया। सारी स्थिति पर काबू करने के बाद सुमारू ने ऊंची आवाज में माइक पर कहा, मिस्टर कृपाल, खुद को छुपाने के लिए इन पहाड़ों में अच्छी जगह तलाश कर ली तुमने, मगर देख ही रहे होंगे हम यहां पहुंच चुके हैं। भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर इस जगह को अपनी कब्रगाह नहीं बनाना चाहते तो सरेंडर कर दो। जवाब में कोई आवाज नहीं उठी। सुमारू ने एक बार पुनः चेतावनी दी, और एक ही बार क्यों, बार बार चेतावनी दी गई, परंतु बस की तरफ ऐसी खामोशी छाई रही जैसे वहां कोई हो ही नहीं। आखिरकार वह 5 कमांडोज के साथ खुद बस की तरफ बढ़ा। वह स्वयं और साथ चल रहे कमांडोज तो सतर्क थे ही, पोजीशन लिए सभी कमांडोज भी उन पर हमला करने वाले को सबक सिखाने के लिए मुस्तैद थे। धनखड़ खुद आगे वाली 2 जिप्सियों में से एक के नीचे बस की तरफ रिवॉल्वर ताने लेटा था। 1000 प्रिकॉशंस बरतते सुमारू और कमांडोज बस के नजदीक पहुंचे। कहीं से कोई हमला नहीं किया गया उन पर। बस के ड्राइविंग कक्ष तक में कोई नहीं था। पिछला हिस्सा खोला गया। अरे, सुमारू के हलक से चीख निकल गई, वैन इसमें नहीं है। उसी क्षण धड़ाम, एक कर्ण भेदी विस्फोट हुआ। मुकम्मल बस के परखच्चे उड़ गए, साथ ही उड़ गए सुमारू और उसके 5 साथी कमांडोस के जिस्म। धमाका इतना जोरदार था कि छत और दीवारों से छोटे मोटे पत्थर फर्श पर गिरे। कुछ पोजीशन लिए कमांडोस को भी लगे। भागो, धनखड़ चिल्लाया, गुफा में टाइम बम लगे हैं। इस घोषणा ने भगदड़ मचा दी गुफा में। जान बचाने की खातिर कमांडोज बाहर की तरफ भागने लगे। धनखड़ पुनः चीखा, ऐसा नहीं बेवकूफो, जिप्सियां निकालो यहां से। कुछ पैदल भागे, कुछ जिप्सियों सहित। 2 जिप्सियां एक दूसरे से टकराकर वहीं रह गई। अफरा तफरी मची जरूर थी, परंतु बस में हुए विस्फोट के अलावा कोई विस्फोट नहीं हुआ। उसकी धमक से एक बार गुफा के जो पत्थर गिरे सो गिरे, बाद में कुछ नहीं हुआ। धनखड़ सहित सभी कमांडोज 6 जिप्सियों सहित गुफा से बाहर निकले ही थे कि मैदान की तरफ से गोलियां चलने की आवाज गूंजी। कोई चिल्लाया, दुश्मन उधर है। जिप्सियां तेजी से समतल स्थान की तरफ दौड़ी। जो कमांडोज उनमें सवार ना हो सके थे वे पैदल भागे। उसी क्षण वातावरण हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने की आवाज से दहला। मैदान के सिरे पर पहुंचे कमांडोज ने देखा हेलीकॉप्टर जमीन छोड़कर हवा में उठ रहा था। पायलट की लाश वहां पड़ी थी जहां कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर खड़ा था। शिकस्त से बुरी तरह भन्नाया धनखड़ चिल्लाया, फायर करो, फायर, मार गिराओ उसे। अनेक कमांडोज की गने गर्जी, मगर हेलीकॉप्टर रेंज से बाहर निकल चुका था। वह हवा में ऊपर और ऊपर उठता पहाड़ियों के भी ऊपर पहुंच गया। मैं कहता हूं बाहर निकलो यार, एक गार्ड ने अधीर होकर कम से कम 5वीं बार कहा।
यूं चूहों की तरह कैद रहने से कोई लाभ नहीं है। मैं फिर कहता हूं, यह सड़ा हुआ ख्याल अपने दिमाग में रखो। दूसरा गार्ड गुर्राया, गबरू के बाद इंचार्ज मैं हूं और मेरी यह बात तुम्हें माननी होगी कि हमें हर हाल में यहीं रहना है। वैन के अंदर हमारी ड्यूटी यहीं लगाई गई है और वैसे भी बाहर निकलकर हम कुछ नहीं कर सकते। वह इस वक्त भी ड्राइविंग सीट पर है, बाहर से उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तीसरे ने कहा, उल्टा वही होगा जो एक बार सड़क पर हो चुका है। वह वैन लेकर भाग जाएगी और हम उसी तरह यहाँ खड़े रह जाएंगे जैसे वे तीन सड़क पर रह गए। लेकिन उन्होंने वैन बस के अंदर से निकाली। चौथी आवाज, वह बस को लेकर यहाँ से चला गया। क्या तुम नहीं समझते उसने ऐसा क्यों किया? समझता क्यों नहीं, सब समझ रहा हूँ मैं। इंचार्ज की आवाज, ऐसा उन्होंने हेलीकॉप्टर को धोखा देने के लिए किया है ताकि हेलीकॉप्टर में मौजूद मदद को आए हमारे साथी यह सोचकर बस के पीछे लग जाए कि वैन अभी भी बस के अंदर है। वही हुआ। कितनी देर से हेलीकॉप्टर की आवाज दोबारा नहीं आई, मतलब साफ है हेलीकॉप्टर बस के पीछे चला गया है जबकि वैन अभी तक यहीं बरगद के उसी पेड़ के नीचे खड़ी है जहां उन्होंने इसे बस से निकाला था। क्या हमारा फर्ज अपने साथियों को इनकी चालाकी के बारे में बताना नहीं था? क्या कर सकते थे हम, कैसे बताते? और अब तो वह स्टेज ही नहीं रही, हेलीकॉप्टर इनकी चाल का शिकार होकर बस के पीछे जा चुका है। लेकिन कब तक वे खाली बस से धोखा खा सकेंगे? इंचार्ज ने कहा, जल्दी ही यह भेद खुलेगा, हमारे साथी समझ जाएंगे कि वैन यही है। धैर्य से काम लेना चाहिए हमें, वे देर सवेर यहाँ जरूर पहुँचेंगे और वैसे भी फिलहाल करने के लिए या कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। त्रिवेणी ड्राइविंग सीट पर बैठी उनकी बहस सुनकर मुस्कुरा रही थी। सबसे सुरक्षित यही लगा था उसे, यह कि ड्राइविंग सीट पर दरवाज़ा बंद करके बैठी रहे। इरादा सचमुच यह था कि अगर उनमें से कोई वैन से बाहर निकला तो उसे गोलियों से भून डाले, परंतु भरपूर बहस के बावजूद कोई बाहर नहीं निकला। उसी पोजीशन में काफ़ी लंबा समय गुजारना पड़ा उसे और तब जब वातावरण में पुनः हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजी, त्रिवेणी संभल कर बैठ गई। देखो सुनो, अंदर से इंचार्ज की आवाज़ आई, हेलीकॉप्टर फिर आ गया है। जरूर वही हुआ है जो मैंने कहा था, हमारे साथी इनकी चाल समझ गए होंगे। त्रिवेणी के दिमाग में सवाल उभरा, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे? एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए उसने सोचा, क्या करें? और फिर जहां थी यह सोचकर वहीं जमी रहने का निश्चय किया कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह दूसरी हो ही नहीं सकती। बरगद के पेड़ के ऊपर चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर कहीं दूर चला गया। आवाज धीमी ही सही मगर अब भी आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। त्रिवेणी को लगा हेलीकॉप्टर कहीं लैंड हुआ है। वह इस सस्पेंस में फंसी अपने स्थान पर बैठी रही कि हो क्या रहा है। 10 मिनट बाद विंड स्क्रीन के पार वैन के ठीक सामने गौरव नजर आया। त्रिवेणी का चेहरा खिल उठा, वह तेजी से दौड़ता हुआ वैन की तरफ आ रहा था। दरवाजे के नजदीक पहुंचा, त्रिवेणी कुछ बोलने वाली थी कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए एक कागज पकड़ा दिया। कागज पर लिखा था, फतह, हेलीकॉप्टर मेरे कब्जे में है, अब हमें राप्ती नदी का पुल पार करके नदी के दूसरी तरफ वाली पहाड़ी पर पहुंचना है, मैं हेलीकॉप्टर में रहूंगा। पढ़ने के बाद त्रिवेणी ने ड्राइविंग डोर वापस बंद कर लिया।